कहते हैं कि जब इंसान में काबिलियत होती है तो वो संसाधनों का मोहताज नहीं होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सृष्टि है। सृष्टि एक आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने देश का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज के समय में जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट का मतलब सोशल मीडिया या मोबाइल गेम्स रह गई है, सृष्टि देशमुख के लिए वह इंटरनेट उसका सबसे अच्छा कोचिंग टीचर था, जिसकी मदद से सृष्टि देशमुख ने यूपीएससी कठिन एग्जाम को पास ही नहीं बल्कि टॉप किया है। और यह कारनामा सृष्टि ने सिर्फ 23 साल की उम्र में कर दिखाया। इतनी कम उम्र में यूपीएससी के एग्जाम को पास करना कोई आम बात नहीं है, जो कि सृष्टि ने कर दिखाया है। सिविल सर्विस में टॉप करने वाली सृष्टि भोपाल की रहने वाली है। सृष्टि देशमुख ने देश भर की पूरी लड़कियों में से टॉप किया है। उन्होंने साल 2019 में यूपीएससी की एग्जाम में 5वीं रैंक हासिल किया। ऐसे तो सृष्टि देशमुख ने इस एग्जाम में 5वीं रैंक हासिल की, लेकिन जब महिलाओं की बात की जाए तो सृष्टि ने सभी यूपीएससी देने वाली लड़कियों में से टॉपर रही। सृष्टि देशमुख ने बताया कि उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली का रुख नहीं किया। सृष्टि ने अपने शहर भोपाल में ही रहकर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की। वह अपने परिवार के बीच में रहकर अपनी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने का फैसला किया। अगर आपके अंदर पढ़ाई का जुनून सृष्टि जैसा हो तो किसी को भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सृष्टि ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भोपाल से ही की, इसलिए उन्होंने कहा कि वह अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी यहीं रहकर करना चाहती है। हालांकि भोपाल में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना आसान नहीं था, क्योंकि वहां उन्हें पढ़ाई का पूरा मटेरियल नहीं मिल पाता था। उन्हें कोचिंग क्लास की दिक्कत आती थी, जिसके चलते सृष्टि ने इंटरनेट से पढ़ाई करनी शुरू कर दी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी सृष्टि ने इंटरनेट की सहायता से की है। सृष्टि देशमुख के पापा इंजीनियर और माँ स्कूल में टीचर हैं, तो उनके घर में पढ़ाई का माहौल तो हमेशा से ही रहा। सृष्टि अपने परिवार की पहली आईएएस अधिकारी बनी। सृष्टि ने एमपी की कैडर का प्रिफ्रेंस भरा था और उन्हें जो रैंक मिली उससे उन्हें आईएएस अफसर बनने में और प्रोत्साहन मिला। आईएएस का जुनून अंदर इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कॉलेज के दौरान कैंपस में प्लेसमेंट में हिस्सा ही नहीं लिया और ना ही कभी नौकरी के लिए उन्होंने किसी कंपनी में अप्रोच किया। सृष्टि देशमुख ने आईएएस बनने के लिए दिन रात अपनी तैयारी में लगी रही और उसका परिणाम है कि उनके हिस्से सफलता आई है। मीडिया में दिए अपने इंटरव्यू में वह कहती हैं कि मैंने टेस्ट सीरीज में पढ़ा था कि एमपी में 10 से 15 हज़ार स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर सिर्फ एक टीचर है। यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने सोचा कि इस स्थिति को बदलने के लिए क्या कर सकती हूँ। इसलिए उन्होंने आईएएस बनने का सोचा था और वह अपनी सोच को हकीकत में बदल दी और मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने ये सफलता प्राप्त की। सृष्टि देशमुख की इस इंस्पायरिंग स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो आपको सृष्टि देशमुख की आईएएस ऑफिसर बनने की जिद की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप अगला इंस्पायरिंग स्टोरी किनका देखना चाहते हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।